नमस्कार दोस्तों, किरण बालकनी गार्डन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे और कि इसकी कटिंग कैसे लगती है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आजकल इसकी कटिंग आपको एक हफ्ता या 10 दिन में बहुत जल्दी बड़ी आसानी से ग्रो होने वाली है, तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना बात करते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट फिर है कि आप जो है हमारे वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहते हैं और हमारे द्वारा दी हुई एक छोटी सी जानकारी अगर आपके किसी काम आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम टॉपिक पे अपने आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्लांट, अरंथमम। ये देखिए, ये अरंथमम का प्लांट है। ये देखिए, ये 3 प्रकार की वैरायटी आती हैं बट मेरे पास 2 ही हैं, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपके गार्डन में फूल कम है तो ये प्लांट आपके गार्डन में फूलों की कमी को पूरा करता है। और देखिए, आप देख सकते हैं इसकी जो है, देखिए हर टहनी पे जैसे लगता फूल लगे हुए हैं। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है। इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग लगा देंगे तो ये लग जाता है। और इसकी एक फ्रेंड्स खासियत है कि आप अगर इसकी इतनी कटिंग काट करके लगाते हैं तो ये ज्यों का त्यों बना रहता है और सरवाइव कर जाता है आपके प्लांटर में, ना ही सूखता है और ना ही मुरझाता है, जैसे के तैसे बना रहेगा और हफ्ता 10 दिन में अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो आप इसे बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर आपको कहीं से छोटी सी कटिंग मिल जाती है आपके फ्रेंड्स के पास, आपके पड़ोस में, तो आप ज़रूर ले लें और अपने घर में लगाएं इसको। ये अरंथमम की दूसरी वैरायटी है और ये भी फ्रेंड्स जब इसको आप लगाते हैं तो ज्यों का त्यों लग जाएगा, ये बिल्कुल मुरझाता नहीं है। तो इसे आप बालकनी गार्डन में या टेरिस पे या आपके पास कहीं स्पेस है आप वहाँ लगा सकते हैं। छोटे से छोटे प्लांटर में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। इसे आप कई जो है इस जिसे इतनी बड़ी टहनी है तो आप इसको कई भागों में बांट कर, ऐसे 3-4 भागों में बांट करके तब भी आप लगा सकते हैं और इसे आप यूं भी लगा सकते हैं। तो इसे अपने बालकनी गार्डन में ऐड करें और मैं अभी आपको कटिंग कैसे लगाते हैं मैं इसका एक तरीका आपको बताने वाली हूँ। बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखें फ्रेंड्स, इससे आप जो है इतनी बड़ी आप कटिंग कट कर लें और ये कटिंग आप ये काटें, ये और ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसकी जो है हम ये जो नीचे की ये हैं सब हम नोच देंगे। ये देखिए, ये नीचे का जो है ये छोटे छोटे जो निकले हैं ये हम इसे हटा देंगे और एक मेरी कटिंग ये हो गई। आप ज्यों का त्यों लगा दीजिए, बहुत जल्दी लग जाएगी। और ये देखिए, ये है इधर, और अगर ज़्यादा बड़ी पत्तियां हैं तो आप उन्हें जो है हटा भी सकते हैं या फिर उन्हें जो है ऐसे कट कर सकते हैं। लेकिन इस प्लांट की एक खासियत है कि आप जिस तरह से लगाएंगे वो लग जाएगा। आप इसमें फंगीसाइड लगाएं या ना लगाएं, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है ये हमारे गार्डन का। तो ये देखिए, बस इसको ऐसे सोइल में दबा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसकी सोइल जो है
विल्डन होनी चाहिए। देखिए किसी कोई भी प्लांट हो, सोयल तो विल्डन होनी चाहिए। और थोड़ी सी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है और थोड़ी काउडन और थोड़ी सी राखी और मैंने इसमें थोड़ा सा चूना मिलाया हुआ है। और अभी दूसरी कटिंग हम आपको बताते हैं। और फ्रेंड्स ये दूसरी कटिंग हम फिर काटने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए इसको आप जो है ये देखिए यहाँ से आप कट कर दें और ये यहाँ से कट कर दें और तीसरी जो है ये देखिए ये मैंने कट किया हुआ है। अभी हम आपको इसे भी लगा के दिखा रहे हैं कैसे आपको लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये कटिंग तैयार कर ली है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप और मैंने आपके सामने कटिंग काटी है और कोई भी रोटिंग हार्मोन्स नहीं लगाया है, ना ही एलोवेरा लगाया हुआ है। और जैसे ही ये 10 दिन के बाद अच्छी ग्रोथ पकड़ेगी मैं आपको फिर इसका वीडियो डाल के दिखाऊंगी और इसे जो है मैं अभी आपके सामने ऐसे ही लगा दूंगी। ये देखिए ये दूसरे कलर वाली है मैं लगा रही हूँ, ये देखो। और जो ये कटिंग मैंने और काटी थी फ्रेंड्स ये देखिए, तो इसको मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगी, यहाँ से नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी सोयल पर। और देखना ये जो सीधे सीधे इसकी छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही हैं ये ऊपर की तरफ लग जाएंगी अपने आप से और इसमें जड़ पकड़ लेगी। तो फ्रेंड्स आप जो है इस प्लांट को अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये देख सकते हैं इसको मैंने अभी आपके सामने कटिंग किया हुआ है और इसको अब मैं कोई इसकी छटाई कटाई नहीं करूँगी, ना ही इसको मैं ऐसे सीधे लगाने वाली हूँ, बल्कि इसको मैं सोयल में ऐसे रख दूँगी। और जब भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा 10 दिन में मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी कि ये हमारा प्लांट कैसे सर्वाइव कर गया है। ठीक है ये देखिए मैं इसी में ये देखिए बीच में मैंने इसको ये देख सकते हैं आप ये देखिए मैं उठा रही हूँ ये देखिए इसको मैंने बीच में ऐसे ही रख दिया है ये देख सकते हैं। तो इसमें हमारे अरंथमम के प्लांट बहुत सारे निकल आएंगे, मैं प्रोनिंग करती रहूँगी समय समय पर। और ये बीच में जो दूसरे कलर का लगाया हुआ है मैंने ये भी अपने आप सर्वाइव करेगा, तब मैं आपको इसका वीडियो फिर दिखाऊंगी। तो आपको फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और सभी फ्रेंडों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, छोटी जानकारी भी कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाती है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।